Hey guys, so अभी morning time है, सुबह का अभी 6 बज रहा है, गर्म गर्म पानी पी लिया दोस्त लोगों ने और थोड़ा नहीं रे ऐसा बात नहीं है, ये पोमेग्रेनेट भी खा रही है हम लोग, थोड़ा खा लिया मतलब अभी निकलेंगे फिर से असम के लिए, सो तवांग पर बैठा असरत निकल जाएंगे अभी, जो कुछ भी मिलते हैं मैं रास्तों पे सो वो सब लोगों को दिखाते जाऊंगा, मेरा दोस्त लोग सब बैग पैक कर रही है, सो मेरा भी बैग पैक हो चुका है, मेरा बैग होना सही था, मेरा तो वही गया, ये लोग बहुत बड़ा बड़ा बैग लेके आया था, सो इसलिए अभी निकल जाएंगे हम लोग घर के लिए, और होटल से तवांग का जो व्यू है वो मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा आप लोगों को। ये रहा तवांग का होटल से, हम लोग का होटल से जो व्यू है, जो नज़ारा वो है। अभी वक्त है इस तवांग का, हम लोग का जो रूम है उसको अलविदा कहने का, तवांग को अलविदा कहने का असम की तरफ, सो मिलते हैं रास्ते पर, बाय बाय कहो, बाय बाय, चलो बाय बाय, चलो गाइस मिलते हैं रास्ते पर। हम लोग रुका था यही होटल पर, अभी यहाँ से निकल जाएंगे हम लोग, नीचे में ऐसा है, ये है तवांग, आज तवांग से जा रही है हम लोग, कैसा लग रहा है? अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। क्यों? अच्छा इस बात का कि घर जा रहे हैं फाइनली जी, और बुरा इस बात की ये नेचर को छोड़ के जा रहे हैं। हां बिल्कुल सही, मौका मिलेगा, वही 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 हम लोग इस नेचर को छोड़ के जा रही है, वैसे जो भी हो हालत खराब होने वाला है। हां वो तो बिल्कुल सही है, 700-800 किलोमीटर मतलब एट ए कांस्टेंट बाइक चलाना कोई आसान बात नहीं। हां वो तो बिल्कुल सही है, कोशिश करेंगे कि आज ही पहुंच जाए हम लोग, लेट्स सी क्या होता है, आराम करते करते जाएंगे, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि ये रोड बहुत डेंजरस है। जी बिल्कुल, चलो सो आप लोग रास्ते पर मिलते रहेंगे गाइस, सो तब तक के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना जर्नी, चूँकि अभी तवांग से निकल जाएंगे लोग हैं अभी तवांग सिटी पर, और हम लोग का गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है अभी, सो हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है, हम लोग को सुबह निकलना था इसलिए मतलब, इसलिए अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं, और क्या होगा देखते गाइस। कल घर के लिए निकल रहा था लेकिन साला गाड़ी जो है स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, इसलिए गैरेज का वेट करते करते अभी 8 बज चुका है हम लोग का तवांग पर ही, तो अभी जस्ट खुला है गैरेज, तो देखते क्या हुआ है गाड़ी में, एवेंजर ने दम तोड़ी है, सो देखते अभी डॉक्टर के पास लेके आया, ये अंकल अपना डॉक्टर है, सो ये देखेगा भाई अपना बंटी का हालत देख क्या है, अभी कितना बजे तक ठीक होगा पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। गाइस फाइनली गाड़ी रेडी हो चुका है, स्टार्ट भी हो रहा है अभी, स्टार्ट हो चुका है, तो अभी निकल जाएंगे हम लोग असम की ओर। गाइस यहाँ पे आगे आके कुछ रास्ता ब्लॉक है, तो इस वजह से मतलब पूरा गाड़ी लाइन ही लगा हुआ है, आधा घंटा लगा बोल रहे हैं, तो देखते कितना टाइम लेता है, थोड़ा वेट करते हैं। निकल चुका था तवांग से, सो अभी रास्ते पर फंस गया हम लोग भी, यहाँ पे बहुत सारे मतलब गाड़ियाँ फंसा हुआ है, चलो देखते हैं गाइस कितना टाइम लगता है, सो स्टे ट्यून्ड रहो। सो गाइस घर के ओर निकल चुके हैं हम लोग, थक गए, सो भूख भी लग रहा है, दुकान भी नहीं मिल रही है हम लोग रास्ते पर, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा वो फ्रूट्स लिया था हम लोगों ने, वही खा रही है अभी, तो निकल जाएंगे, और साथ में ये वादियाँ बहुत अच्छी है, एक मतलब पीसफुल एक फील आती है गाइस, सो इसलिए ये देखो मेरा दोस्त कैसा खा रहा है, सुकून सा एहसास, बिल्कुल सही कहा इसने, सुकून सा एहसास, लोग देखो भूख से दोस्त लोग क्या खा रही है, इधर देखो ये लोग खा रही है अभी अनार पोमेग्रेनेट, सो निकलते हैं अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे गाइस, रेस्ट करके निकल जाएंगे घर की ओर। सो गाइस निकल जाएंगे, थोड़ा रेस्ट कर लिया घर के, और हम लोग थका थका हुआ है अपना दोस्त लोग भी, सो अभी घर के लिए निकलेंगे हम लोग, चलो गाइस। तो ये है हम लोग का सड़क, अभी हम लोग वो उस तरफ से होके आया, अभी इस तरफ से जाएंगे। Hey guys, पहुंच चुका है सेला टॉफ, सो सेला पास, ये पूरा फॉग है अभी, सो हम लोग निकल चुके हैं, निकल मतलब यहाँ पे थोड़ा लंच किया हम लोगों ने, यहाँ पर एक SSB कैंटीन है वहाँ पर लंच किया, सो अभी निकल जाएंगे घर की ओर, सो देखते हैं अभी मतलब बाइक चलाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि जिस तरह से मतलब वो क्लाउड है, वहाँ पर क्या ही बताऊँ, उस लोग लंच करके थोड़ा बैठ रहा है यहाँ पे, सो आराम कर रहा है थोड़ा सा, चलो मिलते हैं अभी रास्ते पर। गाइस बहुत घर पहुँचने की कोशिश की मतलब असम पहुँचने की, बट नहीं पहुँच पाया, तो अभी हम लोग एक दुकान पे है, तो हम लोग जाएंगे होटल पर, रूपा पर ठहरेंगे आज, सो कल सुबह को निकल जाएंगे रूपा से घर की ओर असम की ओर, सो अभी एक रेस्टोरेंट पर बैठा हुआ है, मतलब चाय वाय पीते बोल के बहुत थक गया है, और मतलब हालत भी बहुत खराब हो चुका है हम लोग सब का, मतलब सब टाइड है अभी, सो गाइस मैं रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ आप लोगों को, इस रेस्टोरेंट पर चाय वाय पीते हैं उसके बाद निकलते हैं यहाँ से।
इस भैया के दुकान में थोड़ा फ्रेश फील किया अभी, मोमो खिलाया भैया ने, साथ में चाय दिया हम लोगों को। सो अभी हम लोग जाएंगे होटल के, और कुछ कहना चाहेंगे भैया? चलो ठीक है भाई, बहुत रात को पहुंचा है अभी रूपा पर। सो डायरेक्टली आ गए हम लोग डिनर करने। सो दोस्त लोग भी बैठे हुए हैं, सब लोग थका थका से। सो डायरेक्टली हम लोग होटल पर अभी डिनर करेंगे, उसके बाद रूम जाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे, बहुत थक गया। गाइस हम लोग का डिनर रेडी है, अभी खाएंगे हम लोग। देखो ना हम लोग बार बोल सब खत्म, चलो खाना खाते हैं। अभी हो गया, आंटी लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब दिया हम लोगों ने, आंटी लोगों ने रात होते हुए मतलब बना के दिया हम लोगों को। सो अभी खाएंगे हम लोग, हम लोग ले लिया है। सो गाइस खाना वाना खा के हम लोग आ चुका है रूम पर। सो अभी हम लोग सोएंगे, बहुत थक चुका है। मेरा दोस्त इधर ये देखें, हम लोग उठ के सो चुका है, इधर अपना मोबाइल चला रहा है, और एक दो स्मार्टफोन की तरफ गया है। नहीं नहीं बट मैं इधर सो रहा है, इधर में जगह नहीं है, इसलिए मतलब नीचे मैट्रेस डाल के सो गया अपना दोस्त। सो ये बोल दिया आप लोग को गुड नाइट, और हम भी बोलते हैं गुड नाइट सबको। चलो भाई आज के लिए इतना ही था, गुड नाइट, टाटा बाय बाय।